हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। सोशल साइंस में हम कर रहे थे जो समकालीन भारत का, भारत फर्स्ट है, इसमें एनसीईआरटी चैप्टर 3 है। आज करेंगे यूपीएससी पीसी के लिए एनसीईआरटी कितना इम्पोर्टेंट है, आपको पता होगा। मैं प्रिया, और स्टार्ट करते हैं आज हम चौथा, सॉरी थर्ड चैप्टर। और मैं इसके पहले बताना चाहूंगी, घटना चक्र पढ़ाया जा रहा है उसको आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना उसके देखे कल्याण तो आपका होना नहीं है। आर ओ या यूपीपीसी का कोई भी एग्जाम हो, स्टेट लेवल का आप दे रहे हो। और दूसरी बात यह है कि एनसीईआरटी तो मस्ट है भाई। आजकल के एग्जाम का पैटर्न ऐसा चेंज हो गया, बिना एनसीईआरटी पढ़े कोई कल्याण नहीं होने वाला है। कोई कितना भी स्पीच दे, कितना भी आपको ज्ञान दे ले, लेकिन ये बिना एनसीईआरटी पढ़े हो जाएगा, देखो होना नहीं है। तो ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ लो। और स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्लास 9, एनसीईआरटी चैप्टर 3। ओके, तो थर्ड चैप्टर है अपवाह। तो जी अपवाह पढ़ लेते हैं। अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं में छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं। इस मुख्य धारा का आकार एक साथ मिल जाता, मतलब जो होता है वह मुख्य नदी का निर्माण करता है। अंततः इनका निकास एक किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र या महासागर में होता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। मानचित्र का अवलोकन करें एवं पता लगाएं कि कोई भी ऊंचा ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। तो इस तरह के अपवाह देख सकते हो, जल विभाजक है ये अपवाह। धारा ए है, धारा बी है। भारत में अपवाह तंत्र क्या है? भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया, एक हिमालय की नदियां, एक प्रायद्वीपीय नदियां। तो भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्र में उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियां एक दूसरे से भिन्न है। हिमालय की अधिकतर नदियां बारहमासी होती हैं, क्योंकि हिमालय में नए नए बर्फ बनते रहते, पिघलते रहते हैं और नए नए नदियां बनती रहती हैं। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गर्जों का निर्माण किया है। हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक लंबे रास्ते को तय करती हैं। ये अपने मार्ग के ऊपरी भाग में तीव्र अपरदन क्रिया, मतलब अपरदन क्रिया करती हैं, तथा साथ ही भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती हैं। ये देख लीजिए, इस तरह से नदी बह रही है। मध्य एवं निचले भागों में ये नदियां विसर्प, गोखुर झील या अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती हैं। तो मध्य भाग को देख सकते हैं आप, ये गोखुर झील मतलब एक विसर्प है। इसके पहले मैंने क्लास 8 में पढ़ाया है, तो ये 7 में, ये विसर्प मतलब एक इससे कट के एक चाप आकार की बना लेती है। तो गोखुर झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अनेक निक्षेप आकृतियों का निर्माण करती हैं। ये पूर्व विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती हैं। अधिकतर प्रायद्वीप नदियां मौसमी होती हैं, क्योंकि इनका प्रभाव मौसम पर निर्भर करता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियों का तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली है, फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं तथा पश्चिम की तरफ बहती हैं। क्या आप इस प्रकार की दो नदियों का पहचान कर सकते हैं? प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट में निकलती हैं तथा बंगाल खाड़ी में गिरती हैं। हिमालय की नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां दो है ना, तो हिमालय की नदियां पढ़ते हैं। सिंधु गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये नदियां लंबी तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियां आकर इनसे मिलती हैं। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहते हैं। सिंधु तंत्र, नदी तंत्र क्या होता है? तो सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील से, कहाँ से होता है? मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है और पश्चिम की ओर बहती है। यह नदी भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है। कहाँ से? लद्दाख से। पॉइंट नोट करते चलिएगा, लद्दाख से प्रवेश करती है। इस भाग में एक बहुत से बड़ी सुंदर दर्शनीय घाट का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियां हैं, जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा इस नदी में मिलती है। याद कर लीजिए ये भी। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र के बाहर निकलती है। सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास, कहाँ पर? मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है तथा अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी का एक तिहाई से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है।
ठीक है, सिंधु जल समझौता संधि के अनुच्छेद 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। अब पढ़ते हैं हम गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। कहाँ पर मिलती है? भागीरथी गंगोत्री से निकलती है कहाँ? अलकनंदा में, उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलती है। तो हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती हैं। इनमें से कुछ नदियां हैं यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है या गंगा के दाहिने किनारे पर समांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में जाकर मिल जाती है। घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय हिमालय में मिलती है। ठीक है, हिमालय में जाती है। एक ये मैप देख लीजिए आप, इसमें ध्यान से देखिएगा। ये सिंधु सिंधु दिख रहा है आपको, ये देखिए नदी जा रही है यहाँ पर। तभी झेलम, सिंधु, चेनाब, रावी, सतलज सब आके मिल रही है ना। फिर ये जाके से कराची से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरता है। फिर यहाँ ब्यास नदी आप देखेंगे, गोविंद सागर देखेंगे। अब इन्हें सिंधु नदी देखा, अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर है। ठीक है, ये कहाँ से निकली है? तिब्बत से निकल के या दिहांग से होते हुए ब्रह्मपुत्र होते बांग्लादेश से जाते हुए यहाँ नीचे मिल जाती है। ठीक है, अब गंगा नदी तंत्र देखेंगे। ये गंगा नदी है ना आपकी, यहाँ से निकली है उत्तराखंड से, ऐसे निकलते हुए, ऐसे होते हुए बांग्लादेश से जाते हुए यहाँ पे गिर जाती है। ठीक है, आप देख लीजिए अच्छे से। ये गदारी नदी है, नर्मदा नदी, बेतवा, चंबा, मतलब सब देख लीजिए, महानदी। खैर, इन सबके बारे में पढ़ाया ही जाएगा आपको। ठीक है, और मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह बृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा के, सुंदरबन के डेल्टा का निर्माण नाम जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं, प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान कुछ हिस्से में बाढ़ आती है जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। लेकिन ये नदियां जो मिट्टियों के उपजाऊपन प्रदान कर रही हैं, कृषि योग्य बना देती हैं। उपजाऊ उच्च भूमि वाले मुख्य सहायक नदियां कौन सी हैं? चंबल, बेतवा, सोन। ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती है, इनकी लंबाई कम तथा इनमें पानी की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, ये सब देखते हुए आप देख लीजिए गंगा की लंबाई कितनी है, 2500 किलोमीटर है। और चित्र में देख सकते हैं आप। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पूर्व एवं सिंधु एवं सतलज के स्रोतों के काफी नजदीक से निकली है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बहकर बाहर स्थित है। यह हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बारवा शिखर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू आकार जैसे जैसे अक्षर बसे, मतलब अक्षर जैसे होता है, मुड़कर मतलब मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है तथा दिबांग, लोहित, केनुला एवं दक्षिणी सहायक नदियां इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो एवं बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, याद कर लीजिए। तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, अतः यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। यहाँ नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है तथा बहुत से नदी द्वीपों के निर्माण करती है। क्या आपको ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीपों का नाम याद है? तो प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है एवं बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुँचाती है। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा अधिक होती है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और यह बार बार अपनी धारा के मार्ग से परिवर्तन लाती है। प्रायद्वीप नदी कहते हैं, प्रायद्वीप भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिम घाट द्वारा होता है जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित होता है। प्रायद्वीपी भाग की अधिकतर मुख्य नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिम घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं नर्मदा और तापी दो बड़ी नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं। तो नर्मदा और तापी का नाम याद कर लीजिए, ये दोनों पश्चिम की ओर बहती हैं, मतलब गिरती हैं। जार नदमुख का निर्माण भी करती हैं। प्रायद्वीपी नदियों के पवाद रोड़ियां आकर इनमें अपेक्षाकृत छोटी होती हैं।
नर्मदा नदी द्रोणी देखते थे। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकट है। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी बहती है और समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों में यह नदी गहरे गार्ज में बहती है। यहाँ यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है, वहां धुआंधार जल प्रपात बनाती है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। नर्मदा की सभी सहायक नदियां बहुत छोटी हैं, इनमें से अधिकतर समकोण एवं मुख्य धारा मिलती हैं। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश और गुजरात में। तो नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि देवी नर्मदे नाम की एक योजना प्रारंभ की गई है। आप इसके बारे में वेबसाइट दी गई है, इस पर देख सकते हैं। तापी द्रोणी, नर्मदा द्रोणी पर आप तापी द्रोणी पढ़िए। तापी का उद्गम भी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखला में है। यह भी नर्मदा के समांतर एक भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में है और अरब सागर तट पश्चिमी तट घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां साबरमती है, माही है, भारतपुजा है तथा पेरियार है। उन राज्यों के नाम बताइए जहां से नदियां बहती हैं। ठीक है, आप मैप में देख के बता दीजिए। गोदावरी द्रोणी देखेंगे। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। महाराष्ट्र के नासिक जिले से पश्चिम घाट की ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किमी है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र नदी के 50% भाग मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियां मिलती हैं, जैसे पूरा वर्धा, प्रहिंता, मांजरा, वैनगंगा, पेनगंगा। इसमें अंतिम तीनों में सहायक नदियां बहुत बड़ी हैं। बड़े आकार और विस्तार के कारण ये दक्षिण गंगा के नाम से भी जानी जाती हैं। महानदी द्रोणी क्या है? महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है तथा ये उड़ीसा के बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यह नदी की लंबाई जो होती है 860 किलोमीटर होती है। इसकी अपवाद द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड और उड़ीसा में है। अब कृष्णा द्रोणी क्या होती है? कृष्णा नदी के बारे में देखते हैं। यह जो होती है महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रवाह, मूसी तथा भीमा इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में फैली है। कावेरी द्रोणी, कावेरी पश्चिम घाट की ब्रह्मगिरी श्रृंखला में निकलती है। तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है? कावेरी की अमरावती, भवानी, हेमावती, कांबिनी। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में स्थित है। ये दो चीज की सहायक नदियां, और लेंथ थोड़ा आप ध्यान में रखिए, और इसकी जो सहायक नदियां होती हैं ये, और कौन से राज्य से गुजरती है? भारत में सबसे वो दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बंगलोर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्रों को प्रदान की जाती है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? अभी आपने पढ़ा। इस बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां हैं जो पूर्व की ओर बहती हैं, तो जो है दामोदर, ब्रह्मणी, वैतरणी तथा सुवर्णरेखा एक कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है अपने एटलस में, और भी आप देख सकते हैं। तो पृथ्वी के धरातल पर लगभग क्या है, 71% जल है से ढका है, लेकिन इसका 97% जल लवणीय है। केवल 3% ही स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है, जिसका 3/4 भाग हिमानी के रूप में है। अब झीलें करेंगे हम। कश्मीर घाट तथा प्रसिद्ध डल झील नाव वाले घरों तथा सिकरा से तो आप परिचित ही होंगे, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करती है। इसी प्रकार आप अन्य झील वाले स्थानों पर भी गए होंगे, जहां पर नौकायन, तैराकी एवं अन्य जलीय खेलों का आनंद लिया जाता है। तो कल्पना कीजिए कि अगर कश्मीर, नैनीताल एवं पर्यटन स्थलों पर झीलें नहीं होती, तब क्या उतना आकर्षित होता जितना कि आज है? तो क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की कि इन पर्यटकों की आकर्षित करने के लिए किसी स्थान पर झीलों का क्या महत्व है? पर्यटकों के आकर्षण के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारण भी झीलों का महत्व है। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहां जल जमा हो जाता है, उसे झील कहते हैं। तो बड़े आकार वाले झीलों को समुद्र कहा जाता है, जैसे कैस्पियन, मृत एवं अरल सागर। तो भारत में भी बहुत सी झीलें हैं, ये एक दूसरे से आकार तथा लक्षणों में भिन्न है। अधिकतर झीलों में अस्थायी होती है तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है, जैसे अंतर्देश की अपवाह वाले अरसु क्षेत्रों की द्रोड़ी वाली झीलें। यहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानी एवं बर्फ चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण नदियों एवं मानवीय क्रियाकलापों के थ्रू हुआ है।
एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कट कर गौखूर झील का निर्माण करती है। आपको इसके पहले मैं अपने दिखाया था गौखूर झील के बारे में। स्पीड तथा बारोदिका तटीय के लैगून निर्माण करती है, जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील तथा कोलेरू झील। अंतर्देशीय भागों में वाली नदी झीलें कभी कभी मौसमी होती है। उदाहरण के लिए राजस्थान की संभर झील, जो एक लवण जल वाली झील है, इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय के लिए जो होती है मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी है। दूसरे शब्दों में ये सब बनी जब हिमानियों ने या तो थोड़ी गहरी बनाई हो या बाद में पिघलने से भराई हो, तो या किसी क्षेत्र में शिलाओं तथा मिट्टी से हिमानी मार्ग बन गए हों। इसके विपरीत जम्मू तथा कश्मीर का वुलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील प्राकृतिक झील है। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकटक तथा बाड़ा पानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें हैं। इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों में बाढ़ बनाने से भी झील का निर्माण हो जाता है, जैसे गोविंद सागर भांखर नागल परियोजना। तो एटलस की सहायता से प्राकृतिक तथा मानव निर्मित झीलों की सूची तैयार करना है आपको। तो झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती हैं। एक झील के नदी के बहाव का सुचारू बनाने में सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय या बाढ़ को रोकती है तथा सूखे मौसम में पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायक होती है। झीलों का प्रयोग विद्युत जल विद्युत बनाने में भी किया जाता है। ये आसपास के क्षेत्रों को जलवायु सामान्य बनाती है तथा तो जलीय परितंत्र को सुरक्षित संतुलित रखती है। झीलों की प्राकृतिक सुंदरता का पर्यटन को बढ़ावा देता है तथा ये मनोरंजन प्रदान करता है। नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व क्या है? तो संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन तथा अनेक मानवीय क्रियाओं और क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। यह कारण है नदियों के तट पर प्राचीन काल में बहुत सारे लोग रहते थे, किंतु भारत जैसे देश के लिए यहाँ अधिकांश जनसंख्या जीवित के लिए कृषि पर निर्भर है। वहाँ जैव सिंचाई, नव संचालन, जल विद्युत निर्माण में नदियों का बहुत महत्व है। तो यहाँ पर देख सकते हैं राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के बारे में। तो नदी प्रदूषण, नदी जल की घरेलू औद्योगिक तथा कृषि कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। इसके परिणाम स्वरूप नदियों में अधिक जल की निकासी होती है, इसका आयतन घटता जाता है। दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण तथा अपरिष्कृत कचरे में भी मिलते रहते हैं। यह केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी के स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए दिए गए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल 20 किमी क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तन्न करके समाहित कर सकता है, लेकिन लगातार बढ़ने वाले औद्योगिकरण शहरीकरण कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता है। अनेक नदियां प्रदूषण के स्तर बढ़ता जा रहा है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण कारण इसके स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य भी किए जाते हैं और योजनाएं बनाई जाती हैं। तो नदी के जल मतलब जल से हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित होता है बिना स्वच्छ जल का मानव जीवन, इस विषय पर विचार करें। तो ये रहा आपका होमवर्क कि आप करके अक्सर ये सारे क्लिक करके ABCD करके पहले का ABCD और मतलब चैप्टर भी डाल दीजिए कौन सा है, क्योंकि आप इधर उधर का कमेंट कर दोगे समझ नहीं आएगा। तो ये आंसर आप लिख के हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।